8 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, दशमी का श्राद्ध उस दिन होगा, साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। ग्रह योग आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं और आपके ग्रहों की अवस्था के अनुसार से दिखाई देता है कि आपके बहुत सारे रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, सम्मान में इजाफा होने के योग बन सकते हैं, ग्रह आपके लिए शुद्ध रूप से स्थिर बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है महत्वाकांक्षा का, आप उतने ही काम में हाथ डालने का प्रयास करें, कहीं ऐसे रिस्क वाले काम में ना फंसे कि जहां आपकी बियॉन्ड हो, जो आपकी स्थिति आपके बाहर दिखाई दे रही है उतना आप काम नहीं कर पाए और उस पेरिफेरल के बाहर जाके काम करेंगे तो फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो अवश्य आपकी सीमा में रहते हुए कार्य करेंगे तो आपको सफलता के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह के अनुसार से। और हम बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की, सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान, सिंह में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह सुबह 5:44 पर। ये प्रवेश आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है, शुक्र के साथ चंद्रमा का योग लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं आपके लिए ग्रह। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन दोपहर को करीब 12:36 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो उस समय में नया कार्य ना करें, उसके बाद ही किसी नए कार्य में, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने का आपको प्रयास करना चाहिए। 10 अक्टूबर की यदि बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है शास्त्र के अनुसार से, द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा, एकादशी का श्राद्ध पहले हो चुका। लेकिन एक बात को समझ लें, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के रूप में जाना जाता है, और इस कथा के अनुसार से इस दिन अपने पितरों के निमित्त, जरूरी नहीं एकादशी के दिन श्राद्ध जो करना है वही, जनरल तौर पर आप किसी भी पितर के निमित्त हर और लोक का अवश्य करना चाहिए, दान पुण्य सूखे अन्न का ध्यान इत्यादि, गरीबों को भोजन इत्यादि का वितरण सब करने का प्रयास करें, तर्पण अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए, समस्त पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन तर्पण इत्यादि गया में जाके जो कर लेते हैं उनके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं और पितृ ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं, तो अवश्य इस दिन उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ, भगवान विष्णु का ध्यान, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करते हुए तर्पण इत्यादि करें और साथ साथ पूर्ण विधि के अनुसार से अपने पितरों को तर्पण करें, इससे कल्याण के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अपने पितरों के निमित्त आपको अवश्य अपने इन श्राद्धों में अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, श्रद्धा का समर्पण है, लोग लाख भ्रांति आपको डालने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल जमाना बहुत विचित्र है, कई लोग आपके मन में भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे में श्राद्ध बिल्कुल प्रशस्त है, हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषियों की अद्भुत खोज है। आपके पितृ मृत्यु लोक में आते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति, हमारी संतानें हमारे निमित्त कर्तव्य का जो पालन है कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादियों ने, कुछ बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज के लोगों ने हमारे धर्म के प्रति कुछ अनास्था जगाने का आज प्रयास किया है, तो ऐसे में उस विधान को सही रूप से समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। हम उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं और अनेक अनेक भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त यही आप समझ लें कि ये शास्त्र में जो प्रमाण है ये हमारे वैज्ञानिक परिष्कृति है का, बेसिकली संस्कृति का आध्यात्मिक चमत्कार है इन तिथियों का सृजन करना। तो आप भ्रांति में न फंसे, शास्त्र के अनुसार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्म करना शास्त्र में प्रमाणित है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप करते आए हैं, उसका लाभ आपने देखा है, तो आज भ्रांतिवश बैठकर इन विडंबनाओं में ना फंसे, अपने शास्त्रीय मत को समझें। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है, 1960 के दशक से यह आश्रम बना हुआ है, हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में यह आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं, बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी वो प्रतिष्ठित हैं, बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है, भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है, तो ये बहुत सारे कार्य हैं हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े समस्त जानकारी के लिए नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।